मथुरा के राजा थाना क्षेत्र के गांव अईरा के पास बीती 4 मई को बक्से में अधजलासम मिलने की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से 2 मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हैं। जांच में पता चला है कि मृतक के बेटे ने ही समलैंगिक संबंधों के विरोध में अपने 3 साथियों के साथ मिलकर पिता की हत्या की थी। सबको एक दिन घर में छुपाने के बाद 3 मई की रात बक्से में डालकर आग लगा दी थी। 4 आरोपियों को सोमवार को जेल भेज दिया गया। SP देहात त्रिगुण बसेन ने पुलिस 9 में प्रेस वार्ता में बताया कि सबकी शनाख्त मोहनलाल शर्मा निवासी अंतापाड़ा शहर कोतवाली के तौर पर हुई है। जांच में पता लगा कि मोहनलाल के 23 वर्षीय अविवाहित बेटे अजीत के कृष्णा पुत्र मुन्नालाल निवासी प्रताप नगर जमुना पार के साथ समलैंगिक संबंध है। कृष्णा के जरिए उसकी मुलाकात घिया मंडी के लोकेश पुत्र राकेश और मोहल्ला गुजराना चौबियापाड़े के दीपक से हुई। मोहनलाल के बेटे के समलैंगिक संबंधों का विरोध करता था। 1 मई को उसने इस मामले को लेकर कृष्णा और अजीत को थप्पड़ मार दिए थे। इसके बाद दोनों ने लोकेश और दीपक संग मिलकर 2 मई की रात मोहनलाल की घर में ही सबल से वारदात कर हत्या कर दी थी। 3 मई की रात सबको बक्से में बंद कर बाइक पर राया क्षेत्र ले आए और वहाँ पर सब पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मथुरा। थाना राया क्षेत्र में बिजपुरी चौकी के अंतर्गत एक बक्से में एक अज्ञात शव जो कि जली हुई अवस्था में था वो मिला था। इस जब इसके जो है इस हत्याकांड के उस गहराई में जब जांच करी गई तो ये सामने आया कि इसमें मृत व्यक्ति का जो लड़का था अजीत, उसके संबंध एक कृष्णा नाम का लड़का था उससे थे, तथा इस बात की उसके पिताजी जिसका कि इन लोगों ने मर्डर किया वो लगातार ऑब्जेक्ट करते थे। जब पिताजी ने काफी ऑब्जेक्शन किया तो इन लोगों के द्वारा एक प्लान बनाया गया कि पिताजी को रास्ते से हटा दिया जाए। इस प्लान में अजीत, उसका दोस्त कृष्णा तथा एक अन्य लड़का शामिल था। इन लोगों ने सबल से मार करके सिर पर उसकी हत्या कर दी तथा शव को छिपाने के उद्देश्य से बिजपुरी चौकी क्षेत्र में ले जा करके बक्से में रख करके वहां पर डाल आए थे तथा आइडेंटिटी मिटाने के लिए उस शव का फेस वगैरह को इन्होंने जला भी दिया था। पुलिस और थाना राया की पुलिस व स्वाट टीम के द्वारा अथक परिश्रम करके इस घटना को वर्कआउट किया गया तथा इसके सभी 4 मुलजिम जो शामिल थे हत्या करने में तथा डेड बॉडी को छिपाने में सभी गिरफ्तार किए गए। इसमें से 2 लोग मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए तथा 2 अन्य लोग गिरफ्तार करके कोर्ट में प्रस्तुत किए जा रहे हैं तथा इसमें जल्द ही पुलिस के द्वारा चार्जशीट फाइल की जाएगी।